इस छत्तीसगढ़ के सुविख्यात शहीद वीर नारायण सिंह जी उनकी और यहाँ सब द्वारा संपत अग्रवाल जी का पुष्प वर्षा स्वागत किया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह जी की सबसे पूर्व में हम उनको नमन करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विभिन्न समाज से और मेरे एकदम वेल विशर मेरे संरक्षक जो मंच पर विराजमान है वो सब और भी यहाँ पे उपस्थित सभी बुजुर्गगण माताएं भाइयों एवं बहनों और नीलांचल सेवा समिति के सभी सेक्टर प्रभारी जोन प्रभारी ग्राम प्रभारी और जितने सभी सम्माननीय कार्यकर्तागण पत्रकार बंधु और बसना नगर के और आसपास के सभी गणमान्य गण में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन आप सबको प्रणाम वंदन करता हूँ। वैसे तो मूल रूप से शुरू से ही मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। कुछ समय के लिए न चाहते हुए भी हृदय जिस पर नहीं चाहता है वो काम भी कभी कभी हो जाता है, वैसे कुछ समय के लिए हुआ था। आज मैं अभिभूत हूँ, बहुत ज़्यादा गदगद हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे परिवार में पुनः वापिस आकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व जिला नेतृत्व और सबसे ज्यादा बसना विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना समझकर और अपने बीच में मुझे फिर से सम्मिलित किया। और आप लोगों को मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं आप लोग के जो सोच के मुझे लिए हो ये पार्टी के लिए कुछ करके दिखाएगा कुछ भला करेगा तो मैं आपके हर चीजों में मैं खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मैं सम्माननीय पूजनीय समझ के उनका मैं आदर और सम्मान करता हूँ। ये विगत जो 3-4 साल में हम नहीं पार्टी में नहीं थे उस बीच में यदि कोई भी बात किसी से कोई कहा सुनी हुई होगी तो उसको आप दिल में मत लीजिएगा। आइंदा आप लोग जैसा आदेश करोगे हमारे नीलांचल सेवा समिति के सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए जी जान से कटिबद्ध रहेंगे, ये मेरा वादा है। भारतीय जनता पार्टी और अपने क्षेत्र के लोगों को तो धन्यवाद देता ही हूँ, साथ में नीलांचल सेवा समिति के हमारे भाइयों और बहनों पदाधिकारियों हमारे जितने बहने बैठे हैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे कठिन समय में मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे मार्गदर्शन दिया। और भी हमारे कई सम्माननीय गण मंच में भी बैठे हैं, उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया मार्गदर्शन दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ महाप्रभु मां रामचंडी सब ठीक करेगी, तुम नर सेवा नारायण सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ। और बढ़ते गया और आज मैं आप लोगों की वजह से इस मुकाम तक पहुंचा हूं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, अपने क्षेत्र को अपने राज्य को भारतीय जनता पार्टी के पूरा सरकार ला के बताएंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसी संकल्प के साथ में हम लोगों को रात दिन एकजुट होकर के लड़ना है। और 2024 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बने इसके लिए लड़ना है। वर्तमान में जो ये सरकार है वादा खिलाफी
36 वादे और गंगा जल के कसम लेने के जो खाए हैं गंगा माँ का तो श्राप इनको लगेगा ही। हम लोग को भी बताना है कि ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इनको गौ माता का भी श्राप मिलेगा। गौमूत्र खरीद रहे हैं घर के, क्या क्या मूत्र खरीद रहे हैं, गौ माता का श्राप, गंगा माँ का श्राप, हमारे माताएं बहनों का श्राप। 8 दिन के अंदर श्राप बंदी करके देंगे गांव गांव में। और बहनें हमारी लड़ रही है, जूझ रही है श्राप बंदी के लिए। इनका सबका श्राप इस भूपेश सरकार को लगेगा। और इनका बहुत ही गिनती के उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है पूरे देश में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को तो कांग्रेस मुक्त कर ही देंगे और राजस्थान भी हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णतः कांग्रेस का सूर्यास्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल के चारों दिशाओं में फैलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में और पुनः में सबका धन्यवाद देता हूँ, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जैसा सोचा है वैसे ही मैं खरा उतरूंगा। नर सेवा नारायण सेवा रूपी हमारा जो कार्यक्रम है वो आगे से आगे चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं से खासकर नीलांचल सेवा समिति के कार्यकर्ता जो अभी 80,000 लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने गांव के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिला के चले, किसी प्रकार की कोई भी उनको शिकायत का मौका न दे और शिकायत मेरे पास में न आए। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ। पुनः सबको धन्यवाद। आप लोग मेरे कार्यक्रम के कारण बहुत ज़्यादा लेट हुए हो। मंगल भवन में सबकी भोजन की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग। सब लोग शालीनता से जाए, भोजन ग्रहण करें और अपने अपने घर इसी आशा और विश्वास के साथ में कि नवंबर 2023 में कमल खिला के ही रहेंगे हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह आपकी वापसी हुई है, आगे लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे लेके भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम आएंगे उनके अनुरूप ही कार्य करना है। और अभी तक जो काम हो रहे हैं उसमें 4 गुना बढ़ोतरी करके बताना है, यही हमारी रणनीति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में आपकी वापसी को लेकर के लगभग आपकी टिकट पक्की मानी जा रही है, क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसमें टिकट विकेट का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहता। जो शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा जिसको योग्य समझेगा, हम एक पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। टिकट की लालसा में नहीं आया हूँ। उनको जो भी पद और जो आदेश देंगे वो सिरोधारी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को पद मुक्त कर दिया गया था, तो जैसा कि अभी आपकी वापसी हो चुकी है तो क्या लगता है उनको वापस पद दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में तो वो वापस आ ही चुके हैं। अब पार्टी निर्णय लेगी कि उनको क्या पद में रखना है। टिकट के दावेदार ही नहीं करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी में, सर्वे के आधार पे, योग्यता के आधार पे और जिसको पार्टी उपयुक्त समझेगी। यहाँ का प्रत्याशी व्यक्ति विशेष नहीं होता, कमल का फूल होता है। हमको कमल के फूल को जिताना है। वो कमल का फूल कौन पकड़ के आएगा उसी को जिताने का है। आपकी वापसी के बाद कुछ कार्यकर्ताओं में मन मुटाव होने लगा है, ऐसी भी बातें सामने आई है? मन मुटाव नहीं है, अभी कई दिन हो जाता है तो कुछ बातें रहती हैं। वो धीरे धीरे एक 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 जब घर का सदस्य कई दिन बाहर रह के फिर घर में आता है तो कुछ गिले शिकवे रहते हैं, वो 4-8 दिन में सब दूर कर लिए जाएंगे। आपकी